नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके स्टूडियो में 11 जून के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आज 11 जून 1772 कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले उच्च न्यायालय आगरा में था। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1921 को ब्राज़ील में महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1935 को एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार FM का प्रसारण किया था। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1940 को यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली की वायुसेना ने पहली बार माल्टा द्वीप पर हमला किया था। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1942 को अमेरिका और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1947 को अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण रूप से चीनी की रसद खत्म हो गई थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1955 को 1195 को पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1964 को प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियों की भस्म को पूरे देश में बिखेरा गया था। दोस्तों आज के दिन 11 जून 2007 को फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाडसेनिया को राजधानी सुवा में प्रवेश की इजाज़त मिली थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 2006 को नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया था। दोस्तों आज के दिन 11 जून 2008 को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना रिहा हुई थी। दोस्तों आज के दिन 11 जून 1897 को महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।